हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हेल्थ चैनल। मैं हूँ सोनल और आज इस वीडियो में मैं पेट से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगी, जो कि है GERD यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। हम जानेंगे कि GERD एक्चुअली क्या है और ये क्यों होता है। मैं आपको इसके कुछ सिम्टम्स और उपाय भी बताऊँगी, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि GERD क्या है। GERD का फुल फॉर्म गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है और बेसिकली आपके पेट के वॉल्व या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये वॉल्व आपके पेट और फूड पाइप या एसोफेगस के बीच होती है। एसोफेगस एक करीब 8 इंच का मस्कुलर ट्यूब है जो कि आपके गले को आपके पेट से जोड़ता है। आप जब कुछ खाते हैं तो सबसे पहले खाना आपके गले से एसोफेगस में जाता है, फिर पेट और एसोफेगस के बीच के वॉल्व के खुलने पर वो खाना पेट में जाता है और उसके बाद वो वॉल्व बंद हो जाता है। तो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम तब होती है जब ये वॉल्व ठीक से बंद नहीं होता है। स्टमक में एसिड होता है जो कि खाने को पचाने में मदद करता है और ये एसिड आपके पेट से आपके एसोफेगस में ऊपर आ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके पेट का एसिड गलत दिशा में जाता है। ये पेट में नीचे रहना चाहिए लेकिन ये उस वॉल्व के थ्रू से ऊपर चला जाता है। इस वॉल्व में सेंसर होते हैं, यदि पेट में एसिड कम होता है तो वॉल्व को ये महसूस होगा और ये ठीक से बंद नहीं होगा तो ये खुला रहेगा। अगर पेट का एसिड 1 और 3 के बीच है जो बहुत मजबूत होता है तो वो वॉल्व बंद रहता है। इस स्टमक एसिड का मेजर पीएच वैल्यू या पोटेंशियल हाइड्रोजन से होता है। नॉर्मली इससे एसिड और एल्कलाइन का मेजर होता है। मेजरमेंट स्केल 1 से 14 तक होता है। न्यूट्रल पीएच 7 होता है। तो दोस्तों, इस न्यूट्रल पीएच 7 से कुछ भी कम एसिड होता है और कुछ भी ज़्यादा एल्कलाइन होता है। दोस्तों, ये GERD की प्रॉब्लम के दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम के एक हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो आपके शरीर में वॉल्व्स को कंट्रोल करता है। दोस्तों, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि हार्ट बर्न, सीने में जलन महसूस होना, मुंह में एक खट्टा स्वाद आना, गले में इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा डकार आना और स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होना। अब दोस्तों, GERD की ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं क्योंकि इससे आपका स्टमक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और आपको GERD की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। मैंने नीचे इसका परचेज लिंक दिया है। आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। आप ओवर ईटिंग और बहुत हैवी मील्स ना लें। आप खाने के तुरंत बाद ना सोएं। जल्दी डिनर करें ताकि आपके डिनर और सोने के बीच करीब 3 घंटे का गैप हो। आप चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्राइड और स्पाइसी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग और वो सभी चीज़ें अवॉइड करें जिसके कि आपको प्रॉब्लम होती है। GERD की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। सोते समय अगर आपको तकलीफ होती है तो आप सीधा सोने के बजाय आप अपने सर से कमर तक के हिस्से को ऊंचा करके सोएं। ऐसा करने से भी आपको एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स से रिलीफ मिलेगा। अपने GERD और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम के लिए एंटासिड दवाइयाँ लेने से फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल उपाय करें। तो दोस्तों, ये हो गई GERD से जुड़ी कुछ जानकारी। आप इस जानकारी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप नीचे अपने कमेंट्स भी लिखें और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू।